तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो सभी। आई होप गाइस आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं हूँ शिमला और ये मेरे शिमला ब्लॉग का पार्ट टू है। अच्छा। और पार्ट वन अगर किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट वन का लिंक दिया है, तो जाओ सबसे पहले उसे देखो, उसके बाद इसको देखना। तो गाइस पिछले कल मैंने कहा था कि मैं अपने रिलेटिव के घर जाऊँगा जो है ठियोग में। तो ठियोग जाने के लिए मुझे जो है लक्कड़ बाज़ार से बस पकड़नी होगी ठियोग की। तो गाइस ठियोग जाने से पहले मैंने सोचा गाइस कि मैं थोड़ी देर धूप सेक लेता हूँ, थोड़ा घूम लेता हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग थे जैसा कि आप देख ही होंगे, सभी घूमने आए हैं मेरे अलावा। तो गाइस चलते हैं अभी हम ठियोग के लिए जो है लक्कड़ बाज़ार से बस पकड़ते हैं। तो गाइस जो ठियोग की दूरी है वो जो है लक्कड़ बाज़ार से लगभग 35 या 40 किलोमीटर की तकरीबन होगी। तो लक्कड़ बाज़ार से मुझे इसके लिए बस मिलेगी। अच्छा। तो यहाँ पे शायद गाइस आइस स्केटिंग होती होगी शायद, ऐसा मुझे कुछ लग रहा था क्योंकि यहाँ पे स्नो अभी तक जमी हुई थी। तो यार गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जो मेरा माइक है वो घर में ही भूल गया था मैं, जिस वजह से मैं एडिटिंग के दौरान ही मतलब ये वॉइस देना मुझे पड़ रहा था, क्योंकि माइक के बिना साउंड बहुत अच्छा नहीं आता है, क्लियर नहीं आता है, इस वजह से मुझे बाद में ये साउंड देना पड़ा। तो फाइनली गाइस मुझे जो है ठियोग के लिए बस मिल चुकी थी, पर बस में कुछ ऐसा सीन था कि ये अंकल जी है वो मुझे बार बार देख के घूर रहे थे। म्यूजिक। जिस वजह से मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो मैंने अपना फ्रंट कैमरा बंद करके अपना बैक कैमरा ऑन कर दिया। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था गाइज, तो मैं थोड़ी देर सोना चाहता था। जैसे ही मैं सोया गाइज और मेरी जब आँख खुली तो बाहर की तरफ मैंने देखा कि बाहर तो बहुत बर्फ गिरी है। तो मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मुझे लगा गाइज कि मैं शायद शिमला से आगे निकल गया हूँ, क्योंकि पूरे शिमला में अभी बर्फ नहीं है। तो एक अंकल जी ने मुझे कहा कि ये एरिया जो है वो ठियोग से पीछे है, यहाँ पे धूप नहीं लगती जिस वजह से यहाँ पे बर्फ़ नहीं पिघलती। क्योंकि सही बात है गाइस, क्योंकि अभी तक शिमला में कहीं पे भी और जगह बर्फ़ नहीं है सिवाय उस जगह को छोड़ के। तो फाइनल गाइस मैं जो हूँ ठियोग पहुँच चुका था, और ठियोग में जो है शिमला से दुगनी ठंड थी, और मैं उनका वेट कर रहा था जिनके मुझे आज घर जाना है, वो आ रहे थे। तो फाइनल गाइस वो आ गए थे जिनके घर मुझे जाना है। तो गाइस हम थोड़ा यहाँ से खा पी के यहाँ से चल दिए। तो यहाँ से उनके घर के लिए लगभग 20 या 25 मिनट का रास्ता है जो पैदल चलने को है। तो गाइस चलते हैं उनके घर। तो फाइनल गाइस मैं जो हूँ उनके घर पहुँच चुका था, और मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, तो इसलिए गाइस मैं बहुत ही जल्दी हाथ मुँह धो के खाना खुना खा के बहुत जल्दी सो गया था गाइस। तो गाइस जैसे ही सुबह हुई तो जब मैं उठा गाइस तो बाहर देखा गाइस तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी गाइस। आप ये शीशे पर देख रहे गाइस, ये ओस जमी हुई थी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात थी गाइस। और गाइस जैसे ही मैं उठा तो मेरे उठने के 5 मिनट बाद ही मुझे चाय मिल गई जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। अच्छा। तो गाइस इसके बाद जो है मैंने ब्रेकफास्ट करके हाथ मुँह धो के रेडी होके जो हम जो है ठियोग बस स्टैंड के लिए निकल गए थे। तो भाई जो है मुझे बस स्टैंड तक गाड़ी में ही छोड़ के गए थे। तो फाइनली गाइस हम जो ठियोग बस स्टैंड पहुँच चुके थे, अब यहाँ से मुझे बस पकड़नी थी पुराना बस स्टैंड के लिए, जो बस मुझे मिल चुकी थी। तो फाइनली गाइस मैं जो हूँ पुराना बस स्टैंड पहुँच चुका था, अब मुझे बस पकड़नी थी समर हिल के लिए यानी यूनिवर्सिटी के लिए। तो गाइस देखते हैं बस मिलती है या नहीं। तो गाइस मुझे जो है यूनिवर्सिटी के लिए बस मिल चुकी थी, अब मुझे जाना है सीधा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आज मेरा काम हो जाना चाहिए गाइस आई होप, और उसके बाद मैं चला जाऊँगा आज घर। तो फाइनली गाइस हम जो यूनिवर्सिटी पहुँच चुके थे, देखते हैं गाइस आज हमारा काम होता है या नहीं। तो सीन कुछ ऐसा होता है गाइस कि एक भाई जी हमें मिले जिन्होंने हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि उनकी यहाँ पे बहुत से टीचर के साथ जान पहचान थी, जिस वजह से हमारा काम उन्होंने जो बहुत जल्दी कर लिया। तो फाइनली गाइस हमारा काम आज कंप्लीट होता है, तो अभी चलते हैं हम घर। तो अभी हमें जाना है न्यू बस स्टैंड। तो अच्छी बात यह है गाइस कि जो भाई है वो हमें जो है न्यू बस स्टैंड तक छोड़ के देंगे, ऐसा भाई जी ने कहा, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है गाइस। तो भाई बहुत ही अच्छा ड्राइव करते हैं और बहुत ही अच्छा अच्छा रैप लगाए थे भाई ने गाड़ी में, जो कि बहुत ही पॉपुलर थे। तो फाइनली गाइस भाई ने हमें जो है न्यू बस स्टैंड छोड़ दिया था, और भाई को बहुत बहुत थैंक यू करने के बाद हम जो है खाने की ओर प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं उसके बाद जो है हम बस पकड़ते हैं। तो गाइस शिमला में खाना जो बहुत ज़्यादा सस्ता है, इस बात का तो आपको पता है। खैर हमने जो है खाना ऑर्डर किया और खाना लगभग बहुत ही अच्छा था, सिर्फ मुझे चावल में थोड़ा गड़बड़ दिखा, बाकी खाना बहुत ही अच्छा था, और हम खाना खुना खा के यहाँ से चल दिए। तो गाइस बस अब हमें अपनी बस ढूंढनी थी और बस फिर हमें घर जाना था। तो फाइनली गाइस अभी हमें मंडी के लिए बस मिल चुकी थी और हमने टिकट ले लिए। तो गाइस अब चलते हैं सीधे घर।
तो गाइस शिमला से 5 या 6 किलोमीटर के बाद चलने के बाद ही मैं सो गया था, क्योंकि मैं दिन भर बहुत ही ज़्यादा थक गया था और जब मेरी आँख खुली तो अंधेरा हो गया था और हम मंडी पहुँचने ही वाले थे। तो फाइनली गाइस हम जो है मंडी बस स्टैंड पहुँच चुके थे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। तो मैं गाइस जो है सो के मैं इतना थक गया था कि मेरा सोने को ऑन वर्क कर रहा था, अब मैं घर जाके सीधे सो जाऊंगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मेरे दोनों ब्लॉग पूरे पेशेंस के साथ देखे हैं। और जो भी आज पहली बार चैनल पर विजिट मार रहे हैं तो मेरे चैनल को फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे और इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू।